आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बल्कि लास्ट चैप्टर में मैंने कह भी दिया था कि ये मैसेज बिल्कुल भी टेलीकास्ट नहीं हो पाएगा, पर इस मांगा के फर्स्ट पेज ने मुझको गलत साबित किया और वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक्सपोज। साथ में सांजी एक एल्डर से भिड़ गया एंड रॉबिन और सेटन का सामना हो गया। ऐसी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है इस चैप्टर में, जिसे हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम विद वन पीस चैप्टर 1113। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि बोनी एंड फ्रैंकी को नुशीजीरो ने घेर लिया था, सेटन ने नामी रॉबिन एंड उसाप को, एंड सिचुएशन काफी ज्यादा डेस्परेट थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एल्डर्स फाइट को डोमिनेट कर रहे हैं। मास भी उस रूम तक आ चुका था जहां पर से वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रही थी। इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है एंड मास देख रहा है पंक रिकॉर्ड्स को, जो कि एक्चुअल में वेगापंक का वो सेपरेटेड हेड है। अभी भी वो ब्रॉडकास्टिंग चालू है पर टाइम कंप्लीट हो चुका है, और वेगापंक भी उस मैसेज में यही कह रहा है कि हमने लोगों को सफिशियंट टाइम दिया था। मास जो कि वहां पर पंक रिकॉर्ड को देख रहा है, मींस वेगापंक के हेड को देख रहा है और सोच रहा है क्या ये वेगापंक का ट्रू सेल्फ है। जैसे ही वीडियो का टाइमर कंप्लीट होता है, सारा का सारा एंटायर वन पीस वर्ल्ड वेगापंक के अनाउंसमेंट सुनने के लिए बैठ जाता है। उसब के विलेज में काया एंड दोस थ्री चिल्ड्रंस, साथ में ट्विन केप में क्रोकर, वेगापंक का होम टाउन, पायरेट, मरीन, कॉमन पीपल सभी वेगापंक की अनाउंसमेंट सुनने के लिए बैठे हैं। पर तभी मास ट्रांसपोंडर स्नेल को मार देता है, पर ब्रॉडकास्टिंग नहीं रुकती बिकॉज वो ट्रांसपोंडर स्नेल वो स्नेल नहीं था। अब गवर्नमेंट एक टाइट स्पॉट पे आ गया क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग रोकना, ऊपर से स्नेल के बारे में भी कुछ नहीं पता। मास एंड अदर फाइव गोरोसाई टेलीपैथी के थ्रू माइंड टू माइंड कम्युनिकेट करते हैं। वो मास से पूछते हैं कि उसने अभी तक स्नेल को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, पर मास उनको बताता है कि उन्होंने जितना सोचा था वेगापंक उससे ज्यादा चालाक निकला, और अब ब्रॉडकास्टिंग को नहीं रोका जा सकता। पर उनको ये भी नहीं पता कि वेगापंक कितना जानता है और वो लोगों को क्या बताने वाला है। पर यॉर्क से एक बात पता चली है कि वेगापंक ओहारा के लोगों की विशेष को कैरी करना चाहता है, एंड नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज हमें पता है कि ओहारा के लोगों की विशेष क्या है। उनकी विशेष है वर्ल्ड सेंचुरी को स्टडी करना, और इस वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उनके पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वेगापंक भी सेम ही विशेष कर रहा है, मीन्स वो भी वर्ल्ड सेंचुरी को स्टडी करना चाहता है। जब ओहारा की बात आती है, देन लुक एट दीज रिएक्शंस। वर्ल्ड सेंचुरी रियलिटी में काफी बड़ी मिस्ट्री है और उसको अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया। सिर्फ एक पर्सन है पूरे वर्ल्ड में जो पोनी क्लिप्स को रीड कर सकता है, रॉबिन, और वो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि वो मिस्ट्री को सॉल्व कर सकती है, और साथ में एक वेगापंक जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। दोनों के पीछे गवर्नमेंट पागलों की तरह पड़ी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सांजी को जो कि वेगापंक को लेके बोनी वाले क्रू की तरफ जा रहा है, और वहां पे बोनी एंड फ्रैंकी के सामने खड़ा है नुशीजीरो। फ्रैंकी बोनी से कहता है कि पीछे हट जाओ, और इतने में पीछे से आवाज आती है सांजी की जो कह रहा है तुम पीछे हट जाओ क्योंकि जो इम्प्रेसिवली बोनी को रेस्क्यू करेगा वो हूँ मैं, और आते ही नुशीजीरो के फेस पे एक किक देता है। सांजी इज द फर्स्ट स्ट्रो हैट हु इज फाइटिंग विद अ गोरोसाई। इतने में नुशीजीरो अपनी हाइब्रिड फॉर्म को छोड़ के फुल योकाई फॉर्म ले लेता है, देन सांजी को अपने माउथ में पकड़ लेता है। तभी काशिन बोकोत्सु को पकड़ लेता है और बोनी उसके ऊपर अपने जायंट फुट से अटैक कर देती है, एंड साथ साथ में वेगापंक की वो वीडियो भी चल रही है जिसमें वो बता रहा है कि उसने दो पाप किए हैं और शायद इसके लिए उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाए। ये मैसेज इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है, जैसे ही वेगापंक की हार्ट बीट रुकेगी वैसे ही ये मैसेज ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वेगापंक ऐसे ही कहता है कि जिसने मुझे मारा है तुम उसको ईवल मत समझना, चाहे वो जो कोई भी हो। इट मींस वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ साथ शायद वेगापंक की लाइफ के पीछे और कोई भी था। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं रॉबिन वाले ग्रुप को। सेटन उनके सामने खड़ा है और सेटन की वॉइस को सुनकर रॉबिन उसको पहचान जाती है कि वो फाइव एल्डर्स में से एक है। सेटन रॉबिन को देखने के बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी नामी, चॉपर, ब्रूक एंड उसाप मिलकर रॉबिन को प्रोटेक्ट करते हैं। मास अपने इत्सुमाडे फॉर्म के साथ स्नेल को ढूंढ रहा है, पर उसको अभी तक वो स्नेल नहीं मिला, और अब वो पावर स्टेशन को ब्लास्ट करने का सोच रहे हैं। पर देन वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने पावर स्टेशन को ब्लास्ट कर दिया
तो उनका भी लॉस होगा। अब उनको स्नेल तो मिल नहीं रहा, इस वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे और वीडियो अभी भी टेलीकास्ट हो रही है। वेगापंग कह रहा है कि कुछ लोग शायद मुझको पागल समझे, पर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों को अवेयर करूं दैट आवर वर्ल्ड इज गोइंग टू बी सिंक इनटू द वाटर। सिंक इनटू द वाटर सुन के मेरा फर्स्ट थॉट वो वाला इंसिडेंट था जहां पर पूरा ललुशिया आइलैंड ओशन में डूब गया था विदाउट एनी ट्रेस। वो इंसिडेंट हुआ था बिकॉज ऑफ मदर फ्लेम यूज्ड बाय ईमू। एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या वेगापंग को ईमू की एग्जिस्टेंस के बारे में पता है? और वर्ल्ड इज गोइंग टू बी सिंक इनटू द वाटर ये लाइन यूज हुई है मदर फ्लेम को इंडिकेट करने के लिए। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और इन सब का आंसर मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा आपको मेरे इस चैनल पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि एनिमे से रिलेटेड और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।